तुम है किसी के प्यार में इस शो में इन दिनों सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी चर्चा में बनी हुई है। शो में आने वाला है बड़ा लीप और शो की ऑफर करने की भी खबरें जोरों शोरों से उठ रही। दूसरी तरफ कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर क्या साईं के अपोजिट किसी एक्टर को टेलीकास्ट किया जाएगा या सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से स्टोरी चलाई जाएगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपके साथ भी शेयर करते हैं शो से जुड़े हुए कुछ ऐसी अनटोल्ड स्टोरी जो शायद आपको ना पता हो। स्टार प्लस का ये शो कॉकरो एंड शाइका एंटरटेनमेंट का शो सबसे कंट्रोवर्शियल शो तो है ही, लेकिन सबसे पॉपुलर शो भी है। गुम है किसी के प्यार में इन दिनों जिस तरीके से विराट और पाखी नज़दीक आ रहे हैं, लोग तिलमिला गए हैं मेकर्स के ऊपर साई को अकेला देख के। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, फिलहाल मेकर्स ने ऐसा कोई भी प्लानिंग नहीं किया है। साई के अपोजिट किसी भी एक्टर को फिलहाल के लिए कास्ट नहीं किया जाएगा। अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है प्रोडक्शन हाउस के तरफ से, डायरेक्टर्स के तरफ से या स्टार प्लस के तरफ से। तो आप ये समझ लीजिए साई की जो कैरेक्टराइजेशन है, साई का जो स्क्रीन प्ले है, वो अभी फिलहाल के लिए ऐसा ही रखा जाएगा। तो आप ज़रूर अभी मेकर से ये गुहार लगा सकते हैं, क्योंकि लगातार फैंस डिमांड कर रहे हैं कि साई के अपोजिट एक नए हीरो की एंट्री होनी चाहिए और लाजमी तौर पर होनी चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि आप मेकर्स के कानों में जूं जाती हैं या मेकर्स इसी तरीके से वाहियात स्टोरी बनाने में लगे रहते हैं। आप अपना ओपिनियन बताइएगा ज़रूर हमारे साथ कमेंट सेक्शन में, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।